parece que hoy me gustas un poco más. Hi guys, good morning. Welcome back my new vlog. तो guys, आप सब कैसे हैं? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज तो सुबह एक दो घंटा पहले नींद खुल चुकी थी क्योंकि सुबह आया 6 बजे बुआ जी का फ़ोन कि आज वो घर आएंगी. थोड़ा सा पापा जी की तबीयत सही नहीं है, पापा जी को देखने आएंगी. तो मैंने कहा चलो अब मैं शूट करती हूँ, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ वीडियो. तो जो कि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी थोड़ी बातें. देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है. मौसम बहुत अच्छा है. तो गाइस बारिश हो रही है और जो कि मैंने जो कपड़े कल कपड़े धुले मशीन में, तो मैंने कहा था कि मैं इसको आज फैला दूंगी सुबह उठ के. और जब सुबह उठी मैं, जब बुआ जी का फ़ोन 6 बजे आया तो मैं बात करके फिर सो गई क्योंकि बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ. तो मैं फिर से सो गई. तो अभी बज रहे हैं जैसे कि 7:30, 8 बज गए हैं. तो मैंने कल कपड़े नहीं फैलाए, बट आज बारिश हो रही है तो आज भी नहीं फैला पाएंगे. नहीं तो फैला देती तो सही रहते, मेरे सूख जाते हैं, मुझे सूखे कपड़े मिलते हैं, बट कोई बात नहीं. और देखिए गाइस, जब भी बारिश होती है तो हमारे यहाँ छत की और लॉबी की टेरेस की ऐसे इतने सारे गमले हैं कि बहुत सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं और इतने सारा गंदा सा हो जाता है कि हम लोग बहुत साफ करना पड़ता है उसके बाद इसको. देखिए ये देखिए छोटी 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 और ऊपर से भी और सारी पत्तियाँ देखिए ऊपर से भी उड़ के आती है. तो चलते हैं हम इसको करते हैं साफ. अनी इसमें क्या कर रहे हो, गेम की पढ़ाई? अनिकेत कर रहे हैं लैपटॉप को चेक और मैंने कर लिया है रूम साफ. ही देखो नहीं लैपटॉप को चेक कर रहे हैं, मैंने बोला तो अभी गेम नहीं, अभी तो चेक करके गेम खेलेंगे ना. और मैंने कर लिया है रूम साफ और चलिए कल्लू को जगाओ. ये किसको जगाने को कह रहा है? देखो किस कल्लू कौन है? अच्छा शिवांश नाम है. नहीं अभी नहीं जगाएंगे, ये सुबह से उठता है और कहता है उसको जगा दो, शिवांश को जगा दो, पर नहीं जगाते हैं क्योंकि अगर जग जाता है तो अपने काम नहीं होते हैं कुछ भी. इतना भागता है, उसको पकड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर ये नहीं पकड़ेगा, ये बस जगा के छोड़ देगा. इसीलिए मैं नहीं जगाने देती हूँ उसको. नहीं अभी नहीं जगाना है. तो चलते हैं हम आगे. तो गाइस आज शिवांश की हो गई है थोड़ी सी तबीयत ख़राब. तो देखिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है, गोदी से बिल्कुल नहीं उतर रहा. तो अभी इसको लेके जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, बहुत रो रहा है सुबह से. तो इसको अभी दिखाने जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में, बस निकलते हैं. तो पापा जो कि पापा ले चल रहे हैं शिवांश को डॉक्टर को दिखाने. तो पापा तो रेडी हैं बिल्कुल, बस अब हम लोग नीचे उतरते हैं. इसकी वॉमिटिंग बहुत होने लगी है अचानक से. छोड़ दो कोई बात नहीं. अरे स्लीपर पहन रहा था वो स्लीपर पहन रहा था. बैठ जाइए.
भाई हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के यहाँ के लिए, तो मैंने साथ में ले लिया अपने भतीजे को सुमित को और पापा को भी मैं ले ली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पापा भी हम लोग के साथ चल देंगे, उनका बहुत मन था जाने का, तो इसीलिए। भाई घर से हम लोग निकल चुके हैं, तो शिवांश कितने शांत होके बैठे हैं आज। मैंने पापा को भी ले लिया है, पापा जी भी बैठे हैं, मेरा भतीजा भी है। तो मैक्सिमम घर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, तो बस हम लोग पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। कहाँ है देखो पानी दिख रहा है ना, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि धूप बहुत ही कम है, तो अच्छा है मौसम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे और वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर मैं आगे वीडियो बनाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस दवा हमने ले लिया है और रास्ते में उतर रहे हैं, पापा जी को टेंपल जाना है, तो मैं आपको सामने जा रही टेंपल। एक्चुअली बहुत पहले पापा जी यहीं पे ही रहा करते थे, तो इसलिए पापा को मेरे ये वाला मंदिर जरूर आना रहता है। तो अब तो फिर हम लोग का घर चेंज हो गया है, तो हम लोग अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। बट मंदिर बंद हो चुकी है, पर पापा को बाहर से दर्शन करा देंगे। अशिवांश देखे बैठे हुए हैं, असुमित भी बैठे हुए हैं। हम लोग नहीं गए, हम लोग गाड़ी में ही हैं। यहाँ फूल बने लगा तो बगल में हम लोग फूल लेके जाते हैं हर बार, अब की बार फूल भी ले लगे हैं। तो पापा जी बाहर से दर्शन करके अब आ रहे हैं। हम पकड़े हैं ना पापा जी ने फाइनली भगवान घर हम लोग पहुंच चुके हैं। शिवांश को दवा दिला के डॉक्टर को दिखा रहे हैं। वो दोनों है ना, सुमित है, सुमित संभाल लेगा, पैर रखिए जमीन पे। हां वो लो भाई गया। अब हम उतरते हैं, चलते हैं। तो गाइस घर पे आ गए हैं बुआ जी और बुआ जी के बेटे भैया। शिवांश ना जाने से ही तो गाइस ये है मेरी बुआ जी, ये बहन में बैठी है, ये बुआ जी बना के रखा है मम्मी है इसे हमेशा बुआ जी। हां हम घर बाहर ही थोड़ा और बेटे बुआ जी की तो दीदी बैठी है गाय बेटे हाय करना हाय भैया
ये वीडियो में हाय करो, सब्सक्राइब करवा लो। अभी करवाती थी को बहुत दूर जाना है, तो बस वो निकल रही हैं। भाई और इनकी बात डिस्कस हो रहा है। तो देखते हैं बुआ जी को छोड़ने चलते हैं। भैया आइएगा हाँ फिर। अच्छा तो गाइस सो रहे हैं यहाँ पे बात और जा रहे हैं भैया लोग। नमस्ते बुआ जी। महीना 15 दिन ठीक है। नमस्ते भैया। तो बुआ जी गई और अनी ने शिवांश को नीचे ले आया है जी। नहीं बेटा वो अभी गिर जाएगा, तुमको पता है। नहीं किए तुम बाय नहीं किए। चलो शिवांश, शिवांश अब बाय कर रहा है। पापा इमोशनल हो गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर और पीछे पीछे आ रही है दीदी। तो फाइनली बुआ जी चली गई हैं और अब शिवांश को हम पिलाते हैं दवा, क्योंकि अभी तक हमने उनको दवा नहीं पिलाई है। तो गाइस हम इनको पिला देते गाय दवा, तो थोड़ी देर में मैं बात करती हूँ। तो गाइस आज शाम को हुई है, सुबह से हो रही थी थोड़ी थोड़ी बारिश, बट शाम को हो गई थी थोड़ी ज़्यादा बारिश। तो मैं दिखाती हूँ, मेरे रोड में भी पानी काफ़ी भर जाते हैं कालो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बट अभी भी हो रही है। बस हम लोग के यहाँ पास नहीं आते हैं, नहीं तो नीचे ऐसे यहाँ से वहाँ पूरे रोड में पानी था, पानी पानी हो जाता। तो हो चुकी है रात, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शिवांश को बाहर वॉक कराने। तो स्कूटी से जाएंगे टहलने, बस इसको एक राउंड लगवा दे क्योंकि इसने दवा पिया है। तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था बाहर जाने के लिए, तो बस हम लोग चलते हैं बाहर। चले बाय बोल दो, एक बार इधर बाय बोल दो। चले बाय बोल दो, बता दो हम लोग जा रहे हैं। पापा बता दो, पापा को बुला लो। अच्छा ये हूँ मिल लियो। 21 तारीख बा
तो गाइस हम लोग बाहर घूमने आए हैं, जो कि मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हुई थी तो थोड़ा सा सारी रोड गीली गीली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितनी हवा चल रही है, बाल बाल कैसे हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ,